अच्छा हेलो। आप सभी ने क्वेश्चन ट्राई किया था बुक का? यस सर, यस सर, बना यस सर। था? ओके, वेरी गुड। और कुछ एक दो को प्रॉब्लम हुआ होगा बीच में, जब हम 12 तक बोले तो उसमें आईजीएसटी वाला भी कॉन्सेप्ट आया होगा, है ना? आया हाँ था? सर, आया था। हाँ, तो ठीक है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे आईजीएसटी वाले को। और कोई डाउट कोई ऐसे होमवर्क में बुक का, एनी डाउट्स? सर बुक का क्वेश्चन 16 नहीं बना सर। एक्चुअली बुक है नहीं, क्या क्वेश्चन बोला तो? आउट है 16 नंबर। तो क्या क्वेश्चन है बोलो तो, क्या है क्वेश्चन? थोड़ा सा रीड कर दोगे तो बढ़िया होगा। अ डीलर इन महाराष्ट्र बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर इन महाराष्ट्र एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% होलसेल मेरा डीलर भी महाराष्ट्र, उसके बाद एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ठीक है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल बीइंग ₹20,000। ओके, 20,000 में 24% डिस्काउंट है। ओके ठीक ही है। सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन तेलंगाना। ओके, कंज्यूमर है तेलंगाना में। ओके एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है। ओके, 10% डिस्काउंट। चलो ये ऑन द एक्चुअली प्रिंट इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12। ठीक है, जीएसटी का रेट 12% है, यही ना? ओके ठीक है। ये जो क्वेश्चन इनकम है, निकालना टैक्स सर, द टैक्स पेड बाय द होल। पेड बाय द डीलर होगा, टैक्स पेड बाय द टैक्स पेड बाय द ठीक है। होलसेलर टू द गवर्नमेंट। फिर अ ओके टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट द अमाउंट ओके, विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। 3 क्वेश्चन है ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली आईजीएसटी वाला ही के अंदर आता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, मेरे ध्यान में बिल्कुल रहेगा ठीक है। तो उससे पहले हम आईजीएसटी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एक्चुअली आईजीएसटी क्या होता है सर? ये आईजीएसटी कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि होलसेलर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। डीलर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लेकिन जो कंज्यूमर वो कहाँ का है? तेलंगाना का। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो इस टाइप का जो जीएसटी लगता है उसमें आईजीएसटी कहते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट आता है ठीक है। कोई डाउट? सर हमको डाउट है सर। नहीं, अभी हम कुछ बताया भी नहीं है। नहीं सर, होमवर्क सर। क्वेश्चन नंबर जैसे 4 है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 20,000 रुपीज। एक्चुअली आपका बुक नहीं है हमारे पास, बुक रहता तो बढ़िया आता। क्या क्वेश्चन, क्या बोलो बोलो। सर सर होलसेल, ये एक शॉपकीपर होलसेलर से एक सामान 20,000 में खरीदा है सर। ठीक है, ओके, होलसेलर है, शॉपकीपर है ठीक है। प्रॉफिट और कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट में बेचा है। में कोई, अच्छा ठीक है, कंज्यूमर को प्रॉफिट है ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन बस इतना था कि होलसेलर से जो शॉपकीपर खरीदा है 20,000 में, वो सर हाँ, इंक्लूडिंग टैक्स था कि एक्सक्लूडिंग टैक्स सब था? सारा एक्सक्लूडिंग टैक्स होता है, सारा का सारा एक्सक्लूडिंग टैक्स, कोई इंक्लूडिंग टैक्स नहीं होता। सब क्या होता एक्सक्लूडिंग है? एक्सक्लूडिंग टैक्स। सर, क्योंकि इधर मेंशन नहीं किया है कहीं। क्वेश्चन यही पूछेगा कि शॉपकीपर कितना इसको दिया होगा, कितना पे किया होगा, और पूछेगा कि सर शॉपकीपर इसको कितना सरकार को देगी, कितना स्टेट को देगी, यही क्वेश्चन है ना? हाँ, तो चलो ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो चलो, शॉपकीपर खरीदा होलसेलर से 20,000, कोई डाउट? नहीं सर। शॉपकीपर कंज्यूमर की वजह 10% के प्रॉफिट में, यही है ना? हाँ सर, तो जो 20,000 में सामान खरीदा हुआ, इसका अगर 10% प्रॉफिट ले लेंगे, 10% कितना होगा? सर 22,000, 2,000 रुपया। इसको 10% में, मतलब इसको कितना बेचा होगा? 22,000। 22,000 में बेचा होगा, डाउट? नहीं सर। ये सारा इंट्रा स्टेट है ना? हाँ सर, हाँ यस सर, मतलब सामान एक स्टेट से गया, एक ही स्टेट में खरीदा है। जीएसटी कितना है? 12%। 12%। चलो जो क्वेश्चन होगा मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोला बोलो? टैक्स सर बस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर।
अच्छा ठीक है, शॉपकीपर गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, जब भी याद रखना बीच वाला आएगा ना, जब भी बीच वाला, तो बीच वाला हमेशा इंटरमीडिएटरी होता है, इसका जब भी अगर टैक्स निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है यही ना? हाँ सर, हाँ सर, 240 निकल गया था। क्या ये पूछा है कि स्टेट को कितना देगा कि सेंट्रल को देगा, वो पूछा है? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं। ठीक है चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या है सर? बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है, बस ये हमको डाउट था कि ये एक्सक्लूडिंग होगा कि सारा एक्सक्लूडिंग होता है, सारा का सारा, ठीक है, और हम लोग टैक्स निकाल के पे करते हैं। कोई डाउट? ये बन गया आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी करके बन जाएगा, ये ना? यस। तो मैंने तो दो तरीका से बताया था, अगर इसका मुझे लाइबिलिटी निकालना है दो तरीका है, शॉपकीपर कितना पे करेगा, क्या करेगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट इनपुट जीएसटी। अच्छा मेरा शैडो के कारण कुछ दिक्कत हो रहा है क्या, शैडो आ रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं। आउटपुट जीएसटी का 15-12% ऑफ व्हाट, 22,000 माइनस इनपुट कितना है, 12% ऑफ इनपुट कितना थी, 20,000 ना? 20,000 है ना, और इसको हम 12% कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने का ब्रैकेट में क्या आएगा, 22,000 माइनस 20,000 कितना लेगा, 2,000 इसका अगर 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 240 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे देखो बात एक है, ये और ये तरीका ही है, जो ये कितना जीएसटी पे करेगा ये अपना प्रॉफिट में जीएसटी पे करेगा, अपना प्रॉफिट 20,000 में सामान काटा 22,000 बचा, कितना का प्रॉफिट हुआ बच्चों? सर 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 2,000 में ये 12% जीएसटी पे करेगा, देखो दोनों एक ही चीज है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, हमेशा इंटरमीडिएटरी हमेशा आउटपुट माइनस इनपुट, या फिर इंटरमीडिएटरी जो टैक्स पे करता है वो हमेशा अपना प्रॉफिट पर टैक्स पे करता है। ठीक है ओके, चलिए लिख लीजिए सबको। और अब डाउट, और किसी को कुछ है डाउट? आज हम लोग आईजीएसटी वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें। आईजीएसटी वाला कॉन्सेप्ट सभी बच्चे जुड़ गए, कितने बच्चे जुड़े देखो तो? सर लग रहा है आयुष नहीं है सर, आयुष तो रुके कॉल करते हैं। प्रीतम है? प्रीतम है, है सर। प्रीतम कोई डाउट? नो सर। ओके, गर्ल्स में थी आस्था थी ये सब, वो सबसे बना? चलो मैं रख करता हूँ। देखो अगर दिखने में प्रॉब्लम होगा तो बोलना, एक बार लाइट जला देंगे क्योंकि तो इसमें थोड़ा ब्लर आता है, इसमें देखो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। ठीक है तो, नहीं सर दोनों में कोई दिक्कत नहीं, नहीं देखो पीछे ब्लर हो जाता है तो दिखता नहीं। चलो मैं ऐसे रखता हूं। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई जीएसटी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा लोग पिछला साल में बहुत तो डरा था आईजीएसटी क्या है क्या। ये आईजीएसटी तब लगता है जब प्रोडक्ट एक स्टेट में बना, मैन्युफैक्चर हुआ, वो प्रोडक्ट फिर दूसरा स्टेट में जाके बेचा, तो उस केस में जो जीएसटी लगता है वो होता है आईजीएसटी। ठीक है, उसमें सी जीएसटी और एस जीएसटी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सी जीएसटी और एस जीएसटी कॉन्सेप्ट जो होता है, सी जीएसटी या फिर एस जीएसटी, वो कॉन्सेप्ट होता है इंट्रा स्टेट का। ठीक है, और जो आईजीएसटी कॉन्सेप्ट होता है वो इंटर स्टेट में होता है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इंट्रा मतलब सेमी स्टेट में। ठीक है, तो हम लोग आज आईजीएसटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आईजीएसटी में मत याद रखना, सारा का सारा जो पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता आईजीएसटी में। ठीक है, टूडा अगर 12% अगर है तो 12% हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाए। विदाउट बच्चों को डाउट? नो सर। नहीं सर। नो सर। ओके, तो आज हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं आईजीएसटी का। ओके, तो ये लेते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं। पर पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज, हम लोग 4-5 क्वेश्चन 6-7 डिस्कस करेंगे, 5-6 क्वेश्चन लिख रहा है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ मॉड्यूल
है, प्रिंटेड प्राइस किसी प्रोडक्ट का 2000 है, होलसेलर इन द उत्तर प्रदेश बाइज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन द राजस्थान। ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, ये कहां पर है? राजस्थान, राजस्थान में। ठीक है, और एक होलसेलर है, ये होलसेलर है, ये इसे खरीदता है, ये होलसेलर है आपका यूपी में। कहां पर है? यूपी में। अब उसके बाद ये कितना में खरीदा जी? डिस्काउंट ऑफ 10% में खरीदा, तो 2000 रुपया उसका प्रिंटेड प्राइस था, कितना था? 2000 रुपीज का प्रिंटेड प्राइस था, उसको 10% डिस्काउंट में खरीदा होगा। सर 40,000 था, है ना? 2000 नहीं था सर, आज सर 2000 नहीं था, 40,000 था। नहीं नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, हम जो क्वेश्चन दे रहा होलसेलर जो बोलता है वो 20% अबव द, क्या लिखा है, सॉरी, द होलसेलर सेल्स द मॉड्यूलर प्राइस टू रिटेलर। अब होलसेलर किसको बेचा है? रिटेलर। अब रिटेलर जो है वो एमपी का है, मध्य प्रदेश का, कितने पर बेचा? 20% प्रॉफिट पर बेचा, ये कितना खर्चा था उसका? 20% प्रॉफिट। हम लोग क्या करेंगे, इसका 20% प्रॉफिट निकाल लेंगे, और ये कितना में सेल किया? 1800 का 20% प्रॉफिट का 1+20 बच्चों। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेट करना आता, मैंने शॉर्टकट बताया था, 2160 सर, 10% में एक डेसिमल इधर आ जाता है, 20% कितना हो जाएगा? 360, और इसमें अगर आप 360 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 2160। डाउट हो तो ऐसा करके देख लो, 5 5 + 1 6, 1800 × 6/5, काटो 360 × 36 × 6 होता है आपका 216, और एक लग गया 0, आ गया ना। ठीक है, ये इससे खरीदा होगा 1800 में, ये इससे खरीदा होगा 2160 रुपीस में। ठीक है, प्रॉफिट पेड आउट? नहीं सर। अब है कि बोल रहा है जीएसटी का प्राइस है, वो है जीएसटी जो है वो 5% है, सबको दिख रहा है? यस सर, यस सर। अब है जो, बस यही सब थी, चार क्वेश्चन है इसमें, सब जोड़ो, मैं बोलता हूँ धीरे धीरे। The price of modular table inclusive of tax in which the wholesaler bought. तो wholesaler कितना में खरीदा होगा? आसान है। हाँ सर। खरीदा होगा। 1800 में है, और 5% जीएसटी लगी है ना? Yes sir, yes sir. 90 रुपया माइनस कर देंगे। Wholesaler bought it. कितना में bought किया होगा? Sir 1710. 1800 पर कितना परसेंट टैक्स? 5%. Sir plus नहीं, minus. नहीं नहीं टैक्स पे कर रहा है ना। अभी आप कुछ, हमको लग रहा है इंक्लूसिव बोले, 1800 पर 5% होगा, निकालो कितना निकलेगा, 90 रुपए निकल रहा है, 1890 रुपए। डाउट? ठीक है, तो यहाँ जो जीएसटी लगेगा वो कौन सा जीएसटी लगेगा बच्चों? आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी। ये होगा मेरा इनपुट आईजीएसटी। डाउट? इनपुट आईजीएसटी, ये वाला क्या होगा बच्चों? आउटपुट आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि दूसरा से दूसरा स्टेट है, ये भी दूसरा से दूसरा स्टेट है, तो हर जगह क्या लगेगा? सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। डाउट? इनपुट आईजीएसटी कितना लगा बोलो तो? 90 रुपए। 5% कितना है मेरा? 90 रुपए है। कितना आया? 90 ना, अभी तो ये जो कैलकुलेट करें 90 आया ना, अब 90 रुपए को टैक्स दिया नहीं देगा, तो 1800 + 90 हो गया ना 1819। यस सर। ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन, आसान था। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है द प्राइस ऑफ मॉड्यूलर टेबल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, बोल रहा है ये टैक्स मिला के सो कितना दिया, क्वेश्चन था एक्चुअली इंक्लूसिव वाला, तो रिटेलर कितना में खरीदा होगा? तो रिटेलर को ये पेड किया 2160 में, अपना प्रॉफिट मिला के।
अब रिटेलर इसको भी टैक्स देगा ही देगा, जरूर देगा। कितना देगा टैक्स भाई? 5%। कितना निकाल रहा हूँ बच्चों? रिटेलर कितना बढ़ गया होगा मैं लिखता हूँ, रिटेलर 108 रुपया पे करेगा सर टैक्स। कितना बढ़ गया होगा? 2160 इनटू 1+5% विदाउट, इसका 5% निकालोगे तो 108 रुपया होता है। 108 रुपया जोड़ोगे तो ये होता होगा 2268। देखो मैं कैसे निकालता हूँ, बहुत लोग नए नए स्टूडेंट को नहीं पता होगा। 5% ना बच्चों, 5% ना, तो जब 10% निकालते हैं तो एक डेसिमल प्लेस इधर प्लेस कर देते हैं, ठीक है? 10% कितना हो गया? 216 हो गया। 10% मतलब 216 रुपया, तो 5% मतलब 216 का आधा, 216 का आधा तो 108 रुपया, 5% 108 रुपया, इसमें 108 रुपया जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा। करेक्ट बेटा? नो सर। अब आउटपुट जीएसटी क्या है बताओ तो, 108 रुपए है कि नहीं? 108 रुपए है कि नहीं आउटपुट आईजीएसटी? यस सर। 2160 का 5% निकालोगे तो 108 रुपया ही निकलेगा। ये आपका हो गया 2 times, 2 से कट गया 108। सबको सही स्टूडेंट को दिख रहा है 108 रुपया हुआ कि नहीं? तो ये कितना पे क्या होगा? 2160 रुपया प्लस 108 रुपया ही आया। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ये लिख लीजिए, अभी लिखिए, लिखे तब कुछ नहीं है, जैसा पिछला डायग्राम बनता था वैसा ही डायग्राम बनाना है, बस इसमें आउटपुट आईजीएसटी कर देना, इसमें इनपुट आईजीएसटी कर देना। और ये जितना जीएसटी है ये 90 रुपया यहाँ पर और 108 रुपया यहाँ पर, जितना जीएसटी कलेक्ट हुआ ये पैसा किसको जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। पिछला वाला कॉन्सेप्ट में क्या था? आधा सेंटर आधा स्टेट, आधा सेंटर आधा स्टेट, लेकिन जब डिफरेंट स्टेट में बिक रहा है तो ये पैसा पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। लिख लीजिए सर, आपको लिखने दीजिए। ऐसे दिख रहा है क्या? देखो तो सर, इसमें ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि उसमें ज्यादा अच्छा दिख रहा है, हमको सही से बताना। सर एक बार लाइट चालू कर दीजिए, देख लेते हैं। सर इसी में ठीक है, इसी में ठीक है। इंटीग्रेटेड आपके बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में बनाया गया है, उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बस ये क्या याद रखना, ये जो होलसेलर किस में डील करेगा, अगर इसके उसको पूछेगा कितना टैक्स देगा तो क्या करेगा? डिफरेंस, क्या करेगा? डिफरेंस टू डिफरेंस, या फिर ये भी कह सकते हैं जितना प्रॉफिट होगा उतना पे टैक्स पे करेगा। कितना का प्रॉफिट हुआ देखो तो? 260 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 360 का 5% पे करेगा। That is 180 रुपए पे करेगा। हम लोग निकालेंगे अभी आउटपुट माइनस इनपुट। तो 318 रुपए, सॉरी 18 रुपए है ना? फाइंड आउट हो गया तो बोल देना, मिटा दूंगा, मिटा रहा हूँ सर। हो गया, हो गया। बाकी सभी स्टूडेंट्स
हाँ सर हो गया हाँ सर हो गया ये वाला जो क्वेश्चन है हाउ मच टैक्स पेड बाय द होलसेलर होलसेलर के बारे में पूछ रहा है जब ये पूछ रहा है ये कितना टैक्स पे किया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका कैसे निकालते हैं आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स इसे लिखेंगे पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना क्या करेगा आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी अभी हम लोग आउटपुट आईजीएसटी निकाले थे 60 रुपए बच्चों ठीक है और इनपुट आईजीएसटी कितना था 90 रुपए निकला था डिफरेंस कितना हुआ देखो तो 18 रुपए निकल गया है ना या तो फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पे करेगा वो क्या इसका इसका प्रॉफिट पे पे करेगा ये 1800 में सामान खरीदा और बेच दिया 260 रुपए कितने का प्रॉफिट हुआ था इसको 360 रुपए का तो 360 रुपए का 5% सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा तो 360 रुपए का 5% देखो वही निकला कि निकला 18 रुपए निकल गया दोनों एक ही चीज है ठीक है चलिए ये तो हो गया आपको ये लिख लिया तो आप लोग कर लिए होंगे ये मिटा दूं यस सर टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो जब फाइनल की बात आती है फाइनल कितना कलेक्शन हुआ था हम इधर जाएंगे 2160 रुपए का 5% वही चीज निकलेगा 160 रुपए ठीक है सीधा 108 रुपए यही टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा 108 रुपए कौन कौन दिया ये दिया 90 रुपया ये दिया 30 सॉरी 18 रुपया 90 और प्लस 18 108 या तो फिर आप इन दोनों को जोड़ दो बुक में आपको यही किया हुआ या तो फिर मैं सीधा यही चल जाए सीधा इसी के पास इसी का जितना मैं खरीदा उसका परसेंटेज ठीक है बेटा ये चारों को चारों क्वेश्चन हो गया ठीक है एक प्रैक्टिस के लिए मैं लिख देता हूँ आप लोग खुद करना प्रैक्टिस के लिए बेटा मिटा दूं ये है टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल बोल रहा है एक शॉपकीपर जो है राजस्थान में रहता है एक आर्टिकल बाय करता है फ्रॉम होलसेलर जो गुजरात में एक ऐसा होलसेलर है जो कि कहां पर है गुजरात में और एक शॉपकीपर है जो राजस्थान ये तो लिख रहा है ठीक है और कितने में बाय करता है भाई 35,000 में कोई भी आर्टिकल कुछ भी होगा 35,000 में बाय करता है उसके बाद ये आर्टिकल सेल करता है कंज्यूमर को ये वाला आपको नहीं लेना चाहिए था अच्छा मैं अपने से पे करता था अपने से बनाना एक सेकंड चलो ये आपके बुक में क्वेश्चन आई होगा ठीक है ये 40,000 में बाय करता हम बस स्टेट अलग कर दिए एक आर्टिकल बाय करता 40,000 में 10% डिस्काउंट में कितना 10% डिस्काउंट तो 40,000 में 10% डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा 4,000 रुपया तो 40,000 में 4,000 माइनस करेंगे तो ये 36,000 अब यही है अब ये जो है एक कंज्यूमर को बेचता है जो कि है आपका दिल्ली में अपने साथ थोड़ा ऑल्टर कर दिया क्वेश्चन इसके बाद उसमें जाएंगे दिल्ली को बेचता है किसमें बेचता है 5% प्रॉफिट में 5% प्रॉफिट इस पर 5% प्रॉफिट उसका 10% कितना होगा बच्चों 3600 का 10% हो गया 3600 5% कितना होगा 3600 का आधा 18 हो गए तो आपका हो जाएगा 37,800 ये इसको इतना में खरीदा अब है जीएसटी है 18% जीएसटी है क्वेश्चन क्या है इंटरेस्ट रेट है कि नहीं यहाँ भी डिफरेंट स्टेट ठीक है आपके बुक में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बस वन स्टेट का नाम अलग अलग हो ठीक है
क्वेश्चन है सबसे कितना खर्चा होगा वॉशिंग मशीन जो भी ये वाला अच्छा अच्छा इसको बॉक्स से कर लेंगे अलग अलग एक सेकंड ये मैन्युफैक्चरर है ये मैन्युफैक्चरर है ये है आपका होलसेलर है और ये है आपका कंज्यूमर ही होगा देखते हैं रिटेलर है चलो रिटेलर है तो पहला जो क्वेश्चन है कि होलसेलर कितना में बाय किया निकल जाएगा कितना परसेंट जीएसटी है 18% कितना बाय किया होगा 36,000 × 1+18 मैडम निकालना आप लोग पहला है होलसेलर कितना बाय किया मैं चीजें लिखता हूँ होलसेलर कितना में बॉट किया होगा पहला क्वेश्चन हो गया सेकेंड क्वेश्चन है कि रिटेलर कितना खरीदा होगा रिटेलर रिटेलर मतलब साइड रिटेलर कितना में बॉट किया होगा कितना में खरीदा होगा थर्ड क्वेश्चन है दिख रहा सबको यस सर होलसेलर कितना टैक्स पे किया होगा होलसेलर कितना टैक्स ऐसे पूछ सकता है पेड बाय होलसेलर होलसेलर कितना को होलसेलर होलसेलर कितना टैक्स दिया क्या होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ लिखता हूँ सेंट्रल क्योंकि तो सारा टैक्स सेंट्रल को ही जाएगा अच्छा चौथा क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रिसीव हुआ चलो बताओ आपको ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है चौथा है टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आसान है बनाइए पहला का आंसर कितना आया 42,480 यस सर 42,480 वेरी गुड 42,480 रुपीस बहुत ये कितना में खरीदा तो 36,000 तो खरीदा ही प्लस टैक्स देगा कितना 18% 1+18 चलिए पहला का आंसर आ गया वेरी गुड सेकेंड वन 44,604 ये कौन बोला आंसर आदित्य आदित्य कितना बोला कितना आंसर बोले 44,604 नहीं 44 नहीं होगा 49,560 एक सेकंड हम देख लेते क्वेश्चन हम सही लिखा है क्या था आप लोग देखो तो आप लोग आया इतना बुक में गलत है क्या 44 ही होगा 40,000 और सर 44,604 आया बुक में लगता गलत है बुक में गलत है आंसर 44 ही होगा वही तो यस सर 44 ही होगा ठीक है बुक में गलत आंसर है 44 कितना बोले 44 तो फिर सारा गलत आ जाएगा सारा गलत आ जाएगा 12-13 तो बोला बुक में गलत है 44,000 कितना बोले 604
थर्ड वाले कितना टैक्स पे किया, होलसेलर कितना टैक्स पे किया, तो होलसेलर कितना टैक्स पे करेगा, आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी, या फिर अपने प्रॉफिट का कितना प्रॉफिट हुआ, 1800 रुपए का पे किया 18% 324 बुक में सारा गलत होता है, ठीक है 324 ठीक है। और टैक्स कितना रिसीव किया सेंट्रल गवर्नमेंट, तो टोटल टैक्स रिसीव करेगा हम कहां जाएंगे, यहां पर सीधा 37 कितना निकाल देंगे 18% निकाल सीधा 6804 स्टेट गवर्नमेंट गुजरात को कुछ नहीं मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान को कुछ नहीं मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को कुछ नहीं मिलेगा, और सारा का सारा सेंटर को चला जाएगा इतना रुपया। चलिए अब जो असली कैसे एक्चुअल केस आता है बता दूं, हां सर हम मिटा देते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन है आपका, ये होलसेलर, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। होलसेलर है गुजरात में, एक होलसेलर है गुजरात में, ये शॉपकीपर है, ये है कौन से स्टेट में भाई, शॉपकीपर है आपके राजस्थान में, राजस्थान में, और ये कंज्यूमर है वो भी राजस्थान में, कंज्यूमर भी है राजस्थान। आपको दिख रहा होगा यहाँ तो यहाँ एक स्टेट से दूसरा स्टेट, लेकिन ये दूसरा स्टेट से सेमी स्टेट में गया, तो जब भी सेम स्टेट हो गया तो SGST आता है ना, है ना, और जो डिफरेंट स्टेट होगा वहाँ क्या आएगा IGST, क्या होगा IGST, इनपुट में हमेशा IGST होगा, इनपुट क्या हो गया IGST, क्योंकि इसमें क्या होगा इनपुट IGST, ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और आउटपुट में GST होगा, लेकिन क्योंकि ये सेम स्टेट में है तो आउटपुट में दो टाइप का होगा, एक तो होगा CGST और एक क्या होगा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो तीन स्टेट इन्वॉल्व है, तो एक बात याद रखना इस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को कुछ नहीं मिलेगा, जीरो रुपीज नहीं मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में क्या, सॉरी गुजरात को क्या मिलेगा, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ऑफ गुजरात 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 को मिलेगा नहीं, इसमें से कुछ नहीं मिलेगा नहीं, डाउट ठीक है, ये आप लिख लीजिए, और इसका बेसिक्स आपको यही ध्यान रखना, जब पूछेगा
जब पूछेगा इसको कितना टैक्स पे करना होगा तो हम क्या करेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट, इनपुट आउटपुट में ये दोनों इन्वॉल्व है, इनपुट में ये इन्वॉल्व है, कोई डाउट? नो सर। ओके चलिए, आपने लिख लिया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को नेम मिल गया। अब मुझे ये पहले ये सब निकाल लेते हैं, पहले ये सब निकाल लेते हैं। इनपुट आई जीएसटी, तो आई पहली बार जीएसटी का रेट कितना था वो हम देख लेते हैं। जीएसटी का रेट था 12%, और अब थोड़ा ये भी लिख लेते हैं कितना में खरीदा, ये इससे सामान खरीदा 35,000 में, ओके? और फिर 35,000 के बाद, 35,000 के बाद ये इसको प्रॉफिट में बेचा, 22% के प्रॉफिट में बेचा, ये इसको 22% के प्रॉफिट में बेचा। तो अगर मैं इसका 22% निकालूंगा तो आप ठीक से देखना, ये निकल जाएगा आपका 7,700, इसमें जोड़ देंगे 42,700 हो जाएगा, ठीक है? कैसे होगा इसे निकाल भी सकते हैं, साइड में रफ करके बता देते हैं, है ना? क्या करेंगे इसका 22% है ना, तो 1+22/100 कैलकुलेट करेंगे यही निकलेगा। और हम देखो शॉर्टकट में सिखाते हैं कैसे निकालते हैं टैक्स, देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या बोल रहा है इसका 22%, ध्यान से सुनना सब, 22%, तो 10% कितना हो गया बच्चों? सर 10% 3,500 हो गया, हमको 22% चाहिए ना, यहाँ से देखते 10% हो गया कितना 3,500, तो 20% कितना हो गया इसका दो गुना, कितना हो गया 10% निकालने के लिए डेसिमल एक प्लेस जाता है, और 1% निकालने के लिए डेसिमल दो प्लेस जाता है, 1% निकालने के लिए डेसिमल दो प्लेस जाता है, तो 1% में कितना रुपया हो गया 350, तो 2% कितना हो गया होगा 350 हो गया 1%, 2% कितना हो गया होगा 700 रुपए, तो 2% अगर करेंगे 20% + 2% करेंगे तो कितना हो गया 22%, 22% कितना हो गया 7,000 + 700 कितना हो गया 7,700। No, sir. तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 7,700 जोड़ देंगे, 7,700 जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे इतना ही बेटा। और दूसरा तरीका तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो 1+22/100 वो भी कर सकते, हालांकि इसको नहीं करना। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. लिखना हो तो कभी साइड में नहीं लिख लो, साइड में नोट करके साइड में ये वाला अगर दिख रहा हो तो। ठीक है yes. चलिए बता दो ये वाला सिर्फ ये वाला yes, sir. अब है थोड़ा ये सब पहले निकाल लेते हैं, तो जीएसटी है 12%, तो 12% ऑफ व्हाट, इनपुट आई जीएसटी कितना होगा 12% ऑफ 12% of what? 35,000 12% निकालोगे, देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, 10% क्या निकालेंगे, 10% कितना हो गया 3,500, 10% हो गया 3,500, और हमको 2% और चाहिए ना, 2% कितना होगा बच्चों, उसके लिए पहले 1% निकालेंगे, 1% निकाले कितना हो गया 350, तो 2% कितना हो गया 700, कितना हो गया 4200 जोड़ेंगे तो 4200 होगा, 4200 होगा विदाउट, तो देख लो अगर सारे तो भी 4200 ही निकलेगा, 12/100 × 35,000 कट गया, 35 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे आपका होगा 420 कितना होगा सर 420 होगा 420 और एक जीरो लग गया, आ गया इससे सारा पिछले वाला भी, हाँ सर पिछले वाला भी सही वाले, ठीक है, तो इनपुट आई जीएसटी निकल गया। अब आउटपुट में देखो क्योंकि ये सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी और एनजीएसटी लगेगा, तो कितना लगेगा आधा 6% और आधा 6%, 6% ऑफ व्हाट, 6% ऑफ व्हाट 42,000 42,000
2700 जिसका अगर 6% निकालेंगे 6% निकालेंगे तो 1020 1020 200 400 को इससे गुना कर दोगे तो आपका होगा 2400 ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 2562 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 2
सबको लिख लिया सभी स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ये राहुल था, कौन नाम था? राहुल था, क्या नाम था? आदित्य। आदित्य लिखे? यस सर। तो अरे तो आप जो क्वेश्चन है उसको डील करेंगे, याद है? यहाँ पे कितना था बच्चों, इनपुट में कितना था? 4200 था ना, और आउटपुट में कितना था बच्चों? 2562 कीपर कितना में खरीदा होगा, कितना में बाय किया होगा? दो तरीका निकालने का, एक तो तरीका है 35,000 रखा, इसको 1 प्लस कितना परसेंट टैक्स दिया था? 12%। ये करके निकालेंगे। दूसरा तरीका ये है कि 35,000 में 4,200 जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा आंसर 39,200। बट आउट नाइस। सेकंड क्वेश्चन है How much the amount paid by the shopkeeper to the government? अब ध्यान रखना, क्या बात हो रही है? सर वो टैक्स लायबिलिटी है। शॉपकीपर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? अब देखिए, जब ये वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, बुक में देखो बहुत अजीब तरीका से बनाया है। बुक में पता क्या किया है कि ये सेंटर को कितना ऑफसेट किया है, सेंटर यहाँ दिया इतना, सेंटर यहाँ दिया इतना, इसको डिफरेंस कर दिया और डिफरेंस को फिर इससे जो डिफरेंस कर दिया, ऐसे ऐसे कर। लेकिन हम वही सिंपल वे में बताते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। शॉपकीपर कितना पे किया? शॉपकीपर यही पूछा है, शॉपकीपर कितना टैक्स पे किया? टैक्स पेड बाय शॉपकीपर है। तो आपको यही ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, ये हमेशा किस में डील करेगा? डिफरेंस में डील करेगा, दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट। यही याद रखना, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी, ठीक है? यही ध्यान रखना। बुक में थोड़ा अजीब तरीके से बनाया हुआ है, ऑफसेट ऑफसेट करके लिखा हुआ है, इतना बड़ा सॉल्यूशन है बुक में। तो आउटपुट में कितना जीएसटी पे किया है, दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। नो सर, ये ऐड कर देंगे। कितना होगा पहले लिख देते हैं, 2,500 माइनस इनपुट कितना है? 4,200। इसको आप जोड़ोगे तो मेरे ख्याल से ये होता 5,124 माइनस 4,200, अगर दोनों 924 दिख रहा है नीचे? यस सर, 924 पे किया, ठीक है? बुक में बहुत ही अजीब वे बनाया, बुक में पता क्या लिखा है? पहले ऑफसेट कितना सेंटर को पे किया, इन दोनों का डिफरेंस पे किया, इन दोनों का डिफरेंस को फिर इससे डिफरेंस से माइनस किया, इसी तरह से किया हुआ है। आपको यही याद रखना, आउटपुट माइनस इनपुट बेस्ट वे है। आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट में दोनों जुट जाएगा, इनपुट में 924 आंसर होगा इसका। ये कितना टैक्स पे किया लिख लीजिए दोनों पार्ट को। अच्छा एक क्वेश्चन है और बताएगा, पूछते हैं द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट, तो गुजरात गवर्नमेंट को कितना मिलेगा?
कुछ नहीं आपको हम लोग कितना टैक्स मिलेगा सर कुछ नहीं जीरो मिलेगा सर जीरो क्योंकि वो इनपुट हाँ ये सब कुछ आईजीएसटी है इसका इसका कुछ पार्टी नहीं ये आईजीएसटी पार्ट है ठीक है तो तीन पार्ट का हो गया तीसरा पार्ट होगा टैक्स रिसीव्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट द आंसर इज जीरो दो पार्ट और है अब आपका बन जाएगा जो आपको पूछा था ना 16 नंबर क्वेश्चन शायद आयुष पूछा था नहीं सर आदित्य आदित्य पूछा था बन जाएगा ठीक है सर सर लिख लीजिए अब तो लोग बुक का सॉल्यूशन में देख रहा कितना बड़ा बड़ा सॉल्व किया है कि नहीं एग्जाम्पल देखने का मन नहीं कर रहा है क्या जी एग्जाम्पल देखने का मन ही नहीं कर रहा ये सब देखने के बाद अभी तुरंत एग्जाम्पल बनाना बन जाएगा तुरंत बन जाएगा यस एग्जाम्पल में ऐसा दो क्वेश्चन दिया होगा ठीक है एक्चुअल केस में यही होता है एक स्टेट से सामान आता है दूसरे स्टेट में और दूसरा स्टेट अपने स्टेट के कंज्यूमर को भेजता है तो यही थोड़ा रियल सिनेरियो है मतलब इसमें इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों मिला हुआ है इंटर प्लस इंट्रा वाला क्वेश्चन ठीक है इंटर प्लस इंट्रा वाला क्वेश्चन है लिख लेगा तो बोलना लिख लिए सर हो गया सर हो गया हो गया एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ध्यान में दो क्वेश्चन करना है तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं चलो ये वाला 14 नंबर वाला क्वेश्चन ये आपके बुक में पता नहीं है कि नहीं लेकिन हम ये भी वही है इंटर प्लस इंट्रा वाला कॉन्सेप्ट है इंटर प्लस इंट्रा तो बोल रहा है तमिलनाडु एक शॉपकीपर है तमिलनाडु में एक बाइक खरीदता है 40,000 रुपए में होलसेलर जो कि वेस्ट बंगाल में है तो ये है होलसेलर होलसेलर कहां पर है वेस्ट बंगाल और उसके बाद एक शॉपकीपर है तमिलनाडु में ऐसे लिखते हैं शॉपकीपर ये है तमिलनाडु में ठीक है टीएन तमिलनाडु में कितना में खरीदता है भाई ये खरीदता है 40,000 में कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं 40,000 में अब उसके बाद जो शॉपकीपर है वो सेल कर देता है बाइक को कस्टमर को जो कि तमिलनाडु में कस्टमर है वो कहां पर है कस्टमर है वो भी तमिलनाडु का ही कस्टमर है इसको कितना में बाइक पे करता है 25% प्रॉफिट 25% अगर इसका निकालोगे तो मेरा जो पिछला स्टूडेंट है 25% का मतलब 1/4 होता है आधा का आधा 40,000 का अगर 25% निकालोगे आपका होता है ये आपका होता है 1,000 कोई डाउट हो तो ऐसे भी कर लेना 1+25/100 कर लेना तो ये आंसर वही आएगा 1+25/100 कर लेना आंसर यही आएगा 50,000 तो ये हो गया क्वेश्चन दिख रहा है इसमें ये इंटर प्लस इंट्रा है इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा जीरो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा चलिए अब तो क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन जो है जीएस प्राइस ऑफ बुलेट बाइक इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी शॉपकीपर कितना में खरीदा पहला भाई ये शॉपकीपर कितना बाय किया आप लोग बनाना अभी शॉपकीपर कितना में बॉट कितना में खरीदा होगा बॉट इट कितना में खरीदा होगा जी अच्छा उससे पहले हम लोग सब निकाल लेते हैं ना उससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इधर रहा था आईजीएसटी होता है आईजीएसटी निकालो तो जीएसटी कितना लिख भी नहीं किया 18% जीएसटी है 18% अच्छा बताओ आईजीएसटी 18% किसका 18% 40,000 40,000 अगर हम लोग 18% निकालते हैं ये सारा पैसा चला गया 18% निकल गया कितना हो गया बच्चों 18 को 4 से गुणा करोगे तो 72 7200 होगा ठीक है आईजीएसटी हो गया यहाँ आउटपुट में क्या आएगा बच्चों आउटपुट में दो आएगा ना एक तो आएगा सी जी एस टी और दूसरा क्या आएगा एस जी एस टी तो सी जी एस टी कितना हो गया 18% का 9% 9% ऑफ व्हाट 9% ऑफ व्हाट 50,000
थाउजेंड का अगर मैं 9% निकालूंगा तो मेरा हो जाएगा 4500 विदाउट होगा ना सर 50,000 निकालोगे तो हो जाएगा आपका 4500 यहाँ हो गया जीएसटी भी 4500 हो गया क्लियर हो गया और खर्चा होगा 40,000 इसमें दिया ये इसको टैक्स पे कितना किया 7200 निश्चित रूप से शॉपकीपर का आंसर क्या हो जाएगा 40,000 प्लस 7200 तो ये हो जाएगा आपका 47,200 एक तो आप ये भी करके निकाल सकते हो दूसरा तरीका ये भी है 40,000 करके 1+18,100 करके भी निकालोगे आंसर सेम ही आएगा ठीक है ये दोनों बिल्कुल सेम चीज है बोलो क्यों 42,000 × 1 40,000 × 1 40,000 + 40,000 × 18% है कि नहीं 18% तो पहले निकाल लिया दोनों को खाली छोड़ देना ये कितना बचा था 47,200 आपको समझ आया हाँ सर यस सर यस सर चलिए पहला क्वेश्चन हो गया सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका सेकंड जो क्वेश्चन है एक सेकंड और ये द अमाउंट ऑफ टैक्स received by the West Bengal government. तो West Bengal government को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? Zero. Nil. शून्य. क्या ची? बोलो. शून्य. बोलो बोलो बोलो. सर जीरो. सर जीरो. शून्य. शून्य. Nil nil मतलब जीरो भाई होता है. ठीक है. Third question है. Third question है ध्यान देना. Shopkeeper टैक्स कितना पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉपकीपर कितना पे करेगा और जब ये पूछ रहा है ये कितना पे करेगा तो क्या करेंगे आउटपुट माइनस इनपुट जब इस इनपुट ये पूछेगा तो क्या करेंगे आउटपुट माइनस इनपुट ठीक है शॉपकीपर पेड टू द टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टैक्स ऐसे लिखेंगे पेड बाय शॉपकीपर विदाउट आउटपुट माइनस इनपुट आउटपुट में क्या है दोनों को जोड़ देंगे आउटपुट में क्या कर देंगे दोनों को जोड़ देंगे तो 4500 प्लस 4500 बच्चों कितना हो जाएगा 9000 ठीक है अब है तो तीन क्वेश्चन तो हो गया अब टैक्स कितना रिसीव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल पूछा था फाइनल हमेशा कहां जाएंगे यहां जाएंगे यहां पर तो ऑलरेडी टैक्स दे दिए कितना पे किया बच्चों 9000 एक तरीका ये है 9000 करके निकाल लो और दूसरा तरीका क्या है 50,000 का हम लोग 18% निकाल देंगे है ना फाइनल पूछ रहा है ना 50,000 का 18% निकाल देंगे कितना हो गया 9000 तो 9000 9000 ना सर हां 9000 आंसर होगा सॉरी ठीक है 9000 ओके ओके चौथा हो गया ये हो गया पांचवा क्वेश्चन है द अमाउंट कितना पे करेगा ये कस्टमर कितना पे करेगा तो कस्टमर तो इसे 50,000 का खरीदा और कितना का टैक्स दिया बच्चों 9000 का इंटरमीडिएट में तो कॉन्सेप्ट वही है आउटपुट माइनस इनपुट और बुक पर थोड़ा अभी अजीब तरीके से बनाया हूँ ठीक है इसका याद रखना आउटपुट माइनस इनपुट अच्छा सर अगर इसमें आ जाए कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया है हाँ सर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट वाला ना हाँ सर अगर मान लीजिए इसी में ये शॉपकीपर स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया है तब उसका आधा करेंगे ना एक सेकेंड क्या बोल रहा है सर जैसे कि ये टोटल टैक्स पेड बाय शॉपकीपर 1800 है हाँ 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 तो सर अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये आधा आधा होगा ना ये वाला पार्ट ना सर बीच वाला पार्ट
शॉपकीपर वाला। अच्छा पहले लिखो तो, लिखो तो, लिखो एक सेकंड, लिखो पहले, ये क्वेश्चन है ऐसा, रुको करवाते हैं। सर लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था सर? ये कंज्यूमर कितना पे करेगा, कंज्यूमर कितना पे करेगा, कंज्यूमर कितना पे करेगा, इसका आंसर होगा 59,000 का, ठीक है। कंज्यूमर पे करेगा वो होगा 59,000। अगर स्टेट गवर्नमेंट पूछेगा तब भी वही करना, आउटपुट माइनस इनपुट, ये पूरा सेंटर को पैसा जाएगा, ये स्टेट को जाएगा पैसा, ठीक है। अभी दिखाते हैं एग्जांपल करके, अब तो वैसे टाइम हो गया है, अच्छा टाइम हो गया तो एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, लो लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, कैसे लिखा है सर? डिक्टेट करिए। डिक्टेट कर दे। यस सर। आपका बुक में एक तो क्वेश्चन बचा होगा, वही ऐसा ही है, इंटर प्लस इंट्रा का बचा होगा, और एक तो जो भी हम करवा रहे हैं होमवर्क में देते हैं। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेलो गौतम सर। अच्छा सर, वो क्वेश्चन अगर आप डिक्टेट कर देंगे। हाँ। सर बोल रहे थे ना कि अगर आपको क्वेश्चन देना होगा बच्चों को किसी बुक से, तो आप उसका फोटो क्लिक करके हमको भेज दीजिए, हम इनके असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड कर देंगे सर। ठीक है सर, ओके सर, ओके ओके सर, रख दे फिर ना, कर दे, क्लास ऑफ कर दे, देख लीजिए सर, टाइम हो गया, वैसे कोई बच्चा कोई डाउट पूछ रहा था उसको बता दीजिए, फिर खत्म कर दीजिए। हाँ बच्चों बोलो। सर डाउट नहीं, वही क्वेश्चन का बोलना था, अगर क्वेश्चन आप डिक्टेट करते हैं हम लोग के बुक से होगा तो आपके बुक से ही है, ठीक है, तो सर बुक से होगा तो पहले अभी अपना एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बनाना है, सारा अटेम्प्ट करना है, और जो डाउट होगा डिस्कस लेंगे, और जो सर बोले ना असाइनमेंट के लिए, हम उसको फोटो खींच के या फिर कैसे भी भेज देंगे, ठीक है? ठीक है। और एनी डाउट, आज की क्लास में कोई डाउट है? नो सर। सही बच्चे? सर सर हाँ, ये वाला सर, शॉपकीपर सर कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट को देगा, जो इंटरमीडिएट वाला होता है? हाँ इंटरमीडिएट, बीच वाला में से इंटरमीडिएट, याद रखना, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। तो सर जितना मान लीजिए आउटपुट माइनस इनपुट करके मान लीजिए 1000 आया, तो सर 500 स्टेट का होगा, 500 उसका होगा सेंट्रल, नहीं टैक्स पेड बाय शॉपकीपर है वो, ये नहीं पूछा कि स्टेट गवर्नमेंट वाला टैक्स कितना पे किया है, ठीक है। अगर सेंटर का पूछा, अगर सेंटर का पूछा तो कहां जाएंगे, आईजीएसटी, कहां जाएंगे, आईजीएसटी वाला। अगर स्टेट का पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा, एक दो क्वेश्चन आपके बुक का बनाओ, थोड़ा डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ओके? कोई डाउट? नो सर। अदर स्टूडेंट्स क्लास ऑफ कर रहे हैं फिर, ठीक है? ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।